हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं इंदिरा शर्मा रसोई मम्मी की मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके पास बेल आइकन बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए ताकि मेरा हर आने वाला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पत्ता गोभी आलू की सब्जी बनाएंगे। तो इसके लिए देखिए मैंने क्या क्या चीज़ें यूज में ली है। ये पत्ता गोभी लिया है मैंने, इसे मैंने अच्छा सा धो के और छोटे छोटे पीसेज में कटिंग कर लिए। और ये दो आलू लिए हैं, इसे भी धो के छील के और छोटे छोटे पीसेज में कटिंग कर लिए। ये तीन टमाटर हैं, इसे भी मैंने छोटे पीसेज में कटिंग कर लिए, अच्छी तरह पहले वॉश कर लिया था। और मटर को मैंने छील के और एक मिनट के लिए उबाल लिया हल्का सा, ताकि ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। और इसमें मैं ये रूटीन मसाले डालूंगी, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तेल हमारा गर्म हो गया है। ये तेल मैंने दो बड़े चम्मच के करीब तेल डाला है इसमें, और कढ़ाई गर्म हो गई है। अभी मैं इसमें जीरा डालूंगी और राई भी डाल दूंगी। और थोड़ी सी मैं ये हींग भी डालूंगी। ये हींग भी डाल दी और जल्दी से मैं ये आलू डालूंगी। आलू करीब 3-4 मिनट तक होंगे, तब तक मैं ये ढक्कन लगा देती हूँ। ये आलू फ्राई हो गए हैं, इस तरह से थोड़ा फ्राई करना होता है और गैस में धीरे करती है। पहले भी सही हो गया आलू। कलर चेंज हो गया है और हम इसमें ये मैंने अदरक हरी मिर्च का पेस्ट बना रखा है, आप देख सकते हैं फ्रेंड। तो ये पेस्ट मैं बना के फ्रिज में रख लेती हूँ बना के। तो अभी इसमें से मैं 1 चम्मच लेके और इसमें डाल दूँगी। इसको भी फ्राई कर लिया हमने। और अब मैं ये आधी पत्ता को भी डाल दूँगी, आप देख सकते हैं मैंने आधी डाली है। इस तरह से डाल के इसको फ्राई करूंगी। अभी मैंने आधी डाली है कम, और इसको एक तरफ कर दिया मैंने, गैस धीरे कर दिए ताकि मसाले गले नहीं हमारे। और ये मैं धनिया डाल रही हूँ, आप कैसे देख सकते हैं। धनिया डाल दी और ये हल्दी डाल दी और ये पिसी हुई लाल मिर्च ये भी डाल देंगे। आप जितना टेस्ट खाते हैं मिर्च, उस हिसाब से टेस्ट के हिसाब से मिर्च नमक सब डाल सकते हैं। तो अभी मैंने पत्ता गोभी डाल के और मैं इसी तरह से थोड़ा सा भून रही हूँ। थोड़ा सा भूनने से मसाला अच्छा भुन जाएगा और इसके ऊपर मैं बची हुई पत्ता गोभी इस तरह से डाल दूँगी।
गैस धीरे कर दिया मैंने, और इसको मैं थोड़ा ढक्कन लगा दूंगी। अभी ये थोड़ी दब जाएगी, फिर हम नमक डालेंगे। इसको ढक्कन लगा दूंगी और 3-4 मिनट में आप भी देखेंगे। अभी ये 2 मिनट हो गए हैं और इसे हम इस तरह से मिक्स करेंगे, और थोड़ा सा ये नमक भी डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। फिर और इसे मैं ढक के भाप में ही होने दूंगी 2 मिनट सिर्फ। तो फ्रेंड्स ये 2-3 मिनट हो गए हैं, और अब इसके अंदर मैं ये मटर जो मैंने 1 मिनट के लिए बॉईल करे थे ये वो भी डाल रही हूँ मटर, और ये टमाटर ये भी डाल रही हूँ। और पहले मैंने थोड़ा नमक डाला था, तो अभी मैं थोड़ा सा नमक, अभी हम थोड़ा नमक और डालेंगे क्योंकि टमाटर और मटर भी डाले हैं। वैसे मटर को मैंने नमक डाल के गर्म पानी में 1 मिनट के लिए रखा था, वैसे तो मटर में नमक है लेकिन फिर भी ना डाल देते हैं ताकि ये सब में मिक्सअप हो जाए। इतनी मस्त सब्जी लग रही है। आलू भी आप देखेंगे, आलू भी गलने लगे हैं, और इसको मैं 1-2 मिनट के लिए इसी तरह से ढक के पकाऊंगी। और इसके अंदर मैं ये गरम मसाला भी डाल देती हूँ। ये सब गरम मसाला भी हम मिक्स करेंगे। ये 2-3 मिनट बाद ढक्कन अलग हटा रही हूँ, और आप देख सकते हैं सब्जी कुक हो गई है। गैस मैंने मीडियम कर दी है, थोड़ी सी बॉईल हो रही है, और सारे टमाटर मटर सब मिक्स हो गए हैं। बहुत मस्त सब्जी बनी है फ्रेंड। अब इसके अंदर मैं गैस बंद कर देती हूँ, सब कुछ गल गया है, और ये थोड़ा हरा धनिया डाल देती हूँ, और फिर गार्निशिंग में भी हरा धनिया डालेंगे। और अभी मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सब्जी बनी है, कैमरा पास ला के दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। बहुत ही टेस्टी सब्जी है। तो फ्रेंड्स ये आलू मटर पत्ता गोभी और टमाटर की सब्जी बहुत ही मस्त बनी है। आप खाइए खिलाइए, और आपके घर में सबको पसंद आएगी फ्रेंड्स, गेस्ट को भी अच्छी लगेगी। सर्दी की बहुत मस्त रेसिपी है, और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करिए और मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी। और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय फ्रेंड्स।